वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ल्ड सर्विस इज टू कनेक्ट सोल्स. सेवा में एक सबसे मुख्य बात है आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना, और वो सर्व शक्तियों का, प्यार का निधि है. वही है दुख हरता और सुख करता. वही मुक्ति दाता है और मार्गदर्शन करने वाला गाइड भी है. Meeting with Baba as a soul, with Supreme Soul. अगर मैं बाबा के साथ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है स्वाभाविक रीति से, then when I give introduction, तो जब मैं उनकी पहचान देती हूँ, परिचय देती हूँ, दूसरे आत्माओं को भी सहज होगा to understand what is soul, आत्मा क्या है समझने के लिए, connection, और relationship with Supreme Soul, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए. My own experience is also, मेरा खुद का अनुभव है when one of dadi, जब एक दादी ने जब दादी ने कुछ परिचय दिया of the soul and supreme soul, आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया, but the way she was describing, जिस तरीके से उन्हें उन्होंने सुनाया, I just felt it is truth because मुझे लगा कि हाँ ये सच है. The way she was talking about Supreme Soul, जिस तरीके से उन्होंने परमात्मा के बारे में सुनाया, I could just feel a relationship with Supreme Soul. उनका संबंध परमात्मा के साथ क्या है वो मैं अनुभव कर पाई, और वो चीज मुझे बहुत मदद की. तुरंत एक क्षण में ध्यान में मुझे बहुत मदद की. I felt मुझे लगा love, belonging, मुझे प्यार, अपनापन, दिव्यता from Supreme Soul, परमात्मा से अनुभव हुआ. I felt they are supreme parents for the soul. मुझे लगा कि वे परम मात पिता है आत्मा के लिए. उसमें कोई पुरुषार्थ की बात नहीं थी. बिना मेहनत के अनुभव हुआ. Someone is connected with leader of a country. जैसे किसी का संबंध होता है उस देश के जो मुख्य व्यक्ति है, लीडर है, मुखी है, उसके साथ अगर संबंध है, तो कहते हैं कि चलिए आपको मैं उनसे मिलाता हूँ, मुझे वैसा ही लगा. तो हमारा अभ्यास परमात्मा के साथ का मिलन ये मिलन बेहद सेवा कर सकता है, जहां बाकी सब आत्माएं अनुभव करेंगे और साथ साथ परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे.
और जब वो जुड़ जाते हैं तो वो उनको जो चाहिए वो प्राप्ति कर सकते हैं. तो यह भी मनसा सेवा है. To connect other souls with Supreme Soul. आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ना, जुड़ाना, ये भी एक सेवा है. खास अभी बहुत आवश्यक है कि आत्मा जुड़ जाए, मिलन का अनुभव करें परमात्मा के साथ, मिलन मनाए परमात्मा के साथ, मात पिता के साथ अपनापन का महसूसता हो, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेते हुए सब दुख दर्द से मुक्त हो जाएं. तो हमारे लिए just be with Supreme Soul as a soul. I am soul. मैं आत्मा हूँ. And my eternal relationship with Supreme Soul. और मेरी अंतर आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ. So we do it for a while. अभी थोड़े देर के लिए हम वो अभ्यास करें और हमारे मन के संकल्पों से जो भी जुड़ना चाहे उनको आसान होगा जुड़ने के लिए. भले हम अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि ले रहे हैं पर भ्रुकुटी के बीच में देखिए. Because that's the seat. क्योंकि वो स्थान है, सीट है, जहां परमात्मा, of course, through angelic Baba, अव्यक्त बाबा. But I just look at Supreme Soul. मैं सिर्फ परमात्मा को देखूं. भले दादी गुलजार की आत्मा है उनमें, मैं सिर्फ परमात्मा को देखूं. जैसे हम ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लेते थे, हमारा मिलन उनके द्वारा परमात्मा के साथ था. So I am a soul. तो मैं आत्मा हूँ. And Supreme Soul is my mother and father. परमात्मा मेरे मात पिता है. I get spiritual birth. मुझे रूहानी जन्म मिलता है जो मैंने अपना वर्षा खोया था, मैं उसको वापस लेती हूँ. और वो है परमात्मा के गुण और शक्तियाँ.
Pilgrimage of Remembrance, Power of Yoga, Yog Bal. Now we'll be listening from Mohini Didi. आज दूसरा दिन है योग बल के ऊपर अभी सीरीज चल रहा है. अभी मोहिनी दीदी से हम सुनते हैं. ओम शांति. ओम शांति. आई एम श्योर दैट मुझे यकीन है कि आप आपकी खींच हो रही होगी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन मनाने के लिए, तो आत्म स्थिति की अनुभव करने के लिए, माता पिता के प्यार का, अविनाशी माता पिता का योग बल, बल माना शक्ति. कहते हैं एक है शारीरिक स्थूल बल या बाहुबल, माना हमारे बाहुओं में जो शक्ति है, बाहुबल. दूसरा है मनोबल. एक है कमजोरी और दूसरा है बल. कई बार मन में ऐसे विचार उठते हैं जिससे हमें कमजोरी की महसूसता होती है, माना हमारे पास उतनी उमंग, उत्साह, शक्ति, धैर्यता नहीं होगी, और कुछ भी करने से पहले हम बहुत सोचेंगे. जब मन कमजोर है, जब हम शक्ति या बल के बारे में सोचते हैं, घर में जब शक्ति है माना पावर है तो सब कुछ काम करता है. उसी प्रकार जब हम सेवा में काम सेवा कर रहे हैं, यज्ञ की संभाल कर रहे हैं, जब शक्ति होती है, योग बल होता है, तो सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से चलता है और उसमें सफलता होती है. पर खुद की व्यक्तित्व सफलता के लिए मुझे आंतरिक शक्ति चाहिए. बल हम ज्यादा उपयोग करते हैं जिसमें एक अथॉरिटी भी होती है, पर आज हम शक्ति के बारे में सोचेंगे. क्या मेरा मन शक्तिशाली है सदा, या कभी कभी कमजोर संकल्प भी आते हैं और मुझे लगता है हाँ, कभी हमें लगता है मुझे और शक्तिशाली बनना है और शक्ति चाहिए, तो उसके लिए बहुत सुंदर जिस तरीके से बाबा ने सिखाया स्मृति की शक्ति, स्मृति की सामर्थ्य, स्मृति सामर्थ्य माना शक्ति या हमारी काबिलियत. तो ये बहुत अच्छा विचार है सोचने के लिए किस चीज से आत्मा में बल बरते हैं. माय स्मृति अवेयरनेस, जैसे ही मेरी स्मृति The teachings of Baba. बाबा ने जो पढ़ाई पढ़ाई है उस तरफ जाता है और हमारे पूर्वज आत्माओं की तरफ जाता है. जब मैं उनकी वो स्मृति में आती हूँ तो बाबा ने कहा है
जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है. So it's very good instead तो बहुत अच्छा है. तो क्यों हम परेशान हो, क्यों हम सोचे क्या क्यों में हम क्यों जाएं? हम अपने आप को स्थिर करते हैं और हम सोचते हैं सब कुछ कल्याणकारी होगा और ड्रामा अनुसार होगा. जब मैं बाबा को अपने टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कौन मुझे पढ़ा रहा है और मैं क्या पढ़ रही हूँ. मैं ज्ञान शब्द नहीं उपयोग कर रही हूँ, मैंने शिक्षाएं शब्द उपयोग कर रही हूँ यहाँ पे. खास दादियाँ हमें शिक्षा नहीं देंगे, सिखाएंगे नहीं, पर बहुत व्यक्तित्व रूप से हमें शिक्षाएं देंगे, अपने अनुभव सुनाएंगे, एक उदाहरण बन के हमको सुनाएंगे. मैं बहुत इसके बारे में विचार कर रही थी. जैसे ही बाबा की शिक्षाओं को मैं अप्लाई करती हूँ, जैसे ही वो स्मृति में आता है, ज्ञान के रूप में नहीं पर ज्ञान स्मृति के रूप में, तो तुरंत एक शक्ति आने लगती है और बल मिलता है. मुझे याद है दादी जानकी ने और दादी प्रकाशमणि जी ने भी, और उनसे पहले दीदी मनमोहिनी थे, कोई ना कोई मुझे कार्य देते थे और मुझे लगता था मैंने कभी नहीं किया है और मुझे पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं. और उनके बोल अभी भी मेरे कान में गूंज रहे हैं और वो कहते थे मोहिनी तुम कर सकती हो. और तो मैं कहती थी अगर उनका विश्वास है, जैसे ही वो स्मृति आता था, जैसे ही मुझे वो याद आता था या उसके बारे में मैं सोचती थी, तो तुरंत मैं बोलती थी हाँ ठीक है मैं करूंगी. फिर आपको आश्चर्य लगेगा, कुछ भी पता नहीं था, कई लोग बहुत सारे डिग्रियां लेते हैं, कंप्यूटर कोर्स लेते हैं, ये जो कंप्यूटर है, अलग अलग डिवाइसेस है, उसके साथ मेरी दोस्ती उतनी नहीं है और मुझे गिफ्ट्स भी मिलते हैं और मैं दे देती हूँ, जो उसका सदुपयोग कर पाए उनको देती हूँ. फिर मैं धीरे धीरे मैं उसको समझने लगी कि कैसे उसका उपयोग किया जाता है. और फिर आपने सुना है, फिर मैं वो जो कंप्यूटर को आईटी डिपार्टमेंट कहता है ना, तो उनका वो विश्व भर में वो जैसे निमित्त बने यज्ञ के लिए, क्योंकि दादी जानकी जी ने कहा कि तुम समझती हो, पर इस शिक्षाओं के साथ क्या मिलता है, दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है. दादी प्रकाशमणि जी या ब्रह्मा बाबा ने भी, बच्चे आप सब कर सकते हो, आप हिल टॉप जो पहाड़ियों पर सिटीज होते हैं वहां जाओ और समर में वहां एग्जीबिशंस करो, बहुत सारे लोग आएंगे. और हम किसी को नहीं जानते थे वहां पर, पर हमें लगता था बाबा ने कहा है तो हम कर पाएंगे. मैं कहानियों में नहीं जा रही हूँ, पर कश्मीर में, नैनीताल में, शिमले में, हर जगह, पहले पहले हम छोटे ग्रुप में गए, एग्जीबिशन के कारण बहुत सारे लोग आते थे, तो बाबा और लोगों को भेज देते थे सेवा के लिए. तो बल जो है सब करने के लिए
कहाँ से आया? बाबा की शिक्षाओं से आया। अगर बाबा कह रहा है तो मैं कर पाऊंगी। तो मुझे जो महसूस होता है, जो मुझे लगता है और जो भी मैंने किया है अपने जिंदगी में, क्योंकि मैंने उस स्मृति को जागृत किया, शिक्षाओं को मैंने हां जी कहा, धारणा के लिए ही नहीं, धारणा के लिए भी मैंने हां जी कहा। मनमोहिनी दीदी हमेशा कहते थे, जो भी शब्द आप बोलेंगे उसमें जुड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। शायद वो कार्य हो या संबंध हो, हमारे बोल जुड़ने वाले हो। उस तरीके से बोलिए कि संबंध में दूरी ना आए, संबंध में नजदीक बना आए और जुड़ जाए। आप जब ज्ञान भी सुना रहे हैं, लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर आप हर बार ऐसे ना कहें कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो सब नहीं, पहले हम ये समझाएं कि वो हमारे पिता है, ऊंचे ते ऊंच है। बाबा की महिमा कीजिए, समझाइए, तो फिर कहिए तो वो कैसे सर्वव्यापी हो सकते हैं, उस तरीके से समझाएं हम। अगर वो मेरे में होते तो सर्वशक्तियां होनी चाहिए, फिर तो पवित्रता होनी चाहिए, फिर उनको समझने में भी आसानी होगी। हमें ऐसे नहीं दूसरों को चैलेंज करें उनके धर्म के बारे में। एक बार पीस विलेज गए, एक ग्रुप गए थे, तो एक बहन ने कहा श्री कृष्णा भगवान नहीं है, और वो सब जो भी आए थे कृष्ण के भक्त थे। 10 मिनट के अंदर वो चले गए और उन्होंने कहा हम फिर कभी नहीं आएंगे। कहा आपने वैसा क्यों कहा, हमें ऐसा क्यों कहना है? तो सीधा सीधा ना बोले, उस तरीके से बोले जिससे उनको वो दूरी ना आए। दोनों की महिमा गानी चाहिए, कृष्ण की भी, और फिर हम उनको कहें अच्छा अभी आप सोचिए कि परम पिता कौन है। श्री कृष्ण पिता और सर्व धर्मात्माओं के पिता नहीं हो सकते, है ना? तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो बोल हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा हमारे लिए ट्रेनिंग था। ये बहुत सूक्ष्म कार्मिक अकाउंट है, इसलिए स्मृति, शिक्षाओं की स्मृति, दादी जानकी हमेशा कहते थे जो आज करना है ऐसे नहीं कहो कि कल करेंगे, उसको टालो नहीं। कल किसने देखा है, और वो मैं भूलती नहीं हूँ क्योंकि वो सच है। एक शाम को मैं उनके पास गई थी, मैं उनके साथ खाना खाती, खाना वो चाहते थे मैं उनके साथ खाना खाने के लिए, और मैंने खा लिया था। तो मैंने कहा कल खाऊंगी, तो दादी ने कहा कल किसने देखा है। तो जी वो सब याद आते हैं। तो बहुत साधारण उदाहरण मैं आप सबको दे रही हूँ। तो हर दादी ने दादी कहते थे नया सोचो और बड़ा सोचो। हमेशा वो कहते थे बड़ा करना चाहिए और नया कुछ करना चाहिए। जब भी
bit weak. जब भी आपको लगता है आप थोड़े कमजोर हैं, हम सब ने कई चीजों के लिए ना कहा है, तो जब दादियां कहते हैं हमने कभी भी ना नहीं किया है, वही एक मौका होता है, कार्य है, दुआएं हैं और उसको पाइए, वरना हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उन्नति को कैसे प्राप्त. जब हम नया कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करते हैं, ऐसे नहीं कि हमें बहुत कई लोग ना भी कहते हैं, नहीं, ये यज्ञ का है और यज्ञ सेवा है ना. तो आप सभी सोचिए कौन से पॉइंट्स को जब मैं याद करती हूँ, स्मृति माना याद भी कर, यही एक पॉइंट है जो बाबा ने कहा, और तुरंत उस पॉइंट को उपयोग कीजिए और फिर आपको उससे बल का अनुभव होगा. साधारण एक वाक्य है, ड्रामा कल्याणकारी है, भले उस समय आपको कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो स्मृति लाइए, फिर क्या होगा, आप हर चीज में कल्याण देखेंगे, कोई भी परिस्थिति हो आप उसमें कल्याण देख सकते हैं. एक बहन कह रही थी, मैं हमेशा भाग दौड़ करती थी, वो लेक्चर, ये लेक्चर, अभी मैं बैठती हूँ एक चेयर में बैठ के ज्यादा लेक्चर दे रही हूँ और नंबर भी ज्यादा है, क्योंकि अभी खुद के लिए बहुत टाइम मिल रहा है, पढ़ाई के लिए, योग के लिए, वो जो मुझे पहले नहीं मिलता था. तो ये स्मृति, शिक्षाओं की स्मृति, परम शिक्षक की ड्रामा कल्याणकारी है. वरना क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य क्या होगा, ये सब हम सोचते रहेंगे तो फिर मन कमजोर हो जाता है और उसमें कोई बल नहीं होता कुछ भी करने के लिए. कभी कभी कहीं कहते हैं को बेचैनी बढ़ जाती है, बहुत सूक्ष्म तरीके से भविष्य के बारे में न जानने के कारण. तो बाबा ने कहा है, बच्चे जो कुछ होगा अच्छा है और अच्छा होता रहेगा. तो मैं अपने आप को सदा ये याद दिलाती रहती हूँ, बाबा ने कहा है अच्छे ते अच्छा होता रहेगा, तो मेरा मन क्यों जा रहा है, क्या होगा. तो ये स्मृति, शिक्षाओं की, बाबा की शिक्षाओं की स्मृति से बल बहुत मिलता है, और ये स्मृति योग का ही अंश है, क्योंकि स्मृति ही योग है. जब हम योग कहते हैं, हमको लगता है कि अच्छा अभी जाकर बैठना है एक घंटे के लिए, थोड़ा विचार कीजिए. स्मृति भी योग का ही अंश है और बल शक्ति है. और आज हम खास सुप्रीम शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं. कल हमने माता पिता के बारे में बात किया और आज हम बाबा परम शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं. कई बार मोहिनी दीदी कहते थे, पूरा दिन कई बार आप बोलते रहिए या याद दिलाते रहिए कि बाबा ने क्या कहा, ये भी योग का ही अंश है. तो फिर 24 घंटे योगी कैसे बनेंगे हम. योग बल का मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ बैठक से मिलेगा, हमें तो योग बल हमेशा चाहिए. तो एक है स्मृति से, अपने परम शिक्षक की स्मृति,
हमें ऐसे नहीं कि मुझे सिर्फ विश्वास है, पर हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए। वो तभी संभव है जब हम उस शिक्षाओं को अप्लाई करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। मुझे पता है कई बार जब मैं करती कुछ भी करती रहती हूँ तो वो स्मृति में लाती रहती हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची तुम सफलता के सितारे हो, बच्ची तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है, वरदान है। तो ऐसे ऐसे शिक्षाएं याद रखते रहें, तो शिक्षाओं को स्मृति में बदलें, तो उससे क्या होगा, विश्वास और बल बढ़ता जाएगा। हिम्मत कब आता है, जब हम करते हैं ना। ऐसे नहीं बैठे बैठे हम कह दे हाँ मुझे बहुत हिम्मत है, नहीं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हंसी हंसी में कहते थे, एक बच्चा था तो उसको क्रिकेट खेलने के लिए किसी ने बुलाया, उसने कहा नहीं। फिर वो बैठ के सिर्फ कहते थे हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, पर उसने कभी खेला नहीं, क्योंकि वो कहता था मुझे पता नहीं है खेलना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बैडमिंटन खेलना, बाबा के साथ क्रिकेट खेलना और बैडमिंटन खेलना। अगर हम ऐसे ही बैठ जाएंगे तो तुम कभी नहीं खेलोगे, तो आज तो खेलिए, आज तो खेलिए। आप एक बार खेलेंगे, दूसरी बार खेलेंगे, और फिर क्या होगा, आपको अच्छा भी लगेगा और आप उसमें अच्छे बन जाएंगे उस खेल में। जब अंदर बल नहीं होगा तो कुछ भी कार्य सामने आए, हम उस मौके को उठाते नहीं हैं। हर एक मौके का फायदा उठाना चाहिए। मुझे याद है अव्यक्त बाप दादा कई बार कहते थे, बच्चे चांस मिलता है तो लो, तो फिर आप चांसलर बन जाएंगे। तो इसलिए हर कदम में हिम्मत और उमंग उत्साह दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हिम्मत हमारा बल है और उमंग उत्साह भी हमारा बल है। पर वो कैसे बढ़ता रहेगा, वो अलग अलग पॉइंट्स की स्मृति दिलाने से वो बढ़ता रहेगा। तो दूसरा शब्द बल के लिए है कि मेरी शक्ति, और वही मेरा हिम्मत है। दूसरा हमारे विश्वास को अप्लाई करना, और जब उसको प्रयोग में लाएंगे तो फिर आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। निश्चय और विश्वास सिर्फ अगर बुद्धि में है तो वो निश्चय का बल हमको प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने कभी उसको प्रयोग में नहीं लाया। तो सोचिए बल के ऊपर और स्मृति के ऊपर, स्मृति की सामर्थ्य, इसके बारे में सोचिए। जैसे ही आप स्मृति उत्पन्न करते हैं, उस तुरंत आप शक्तिशाली बनेंगे और कर भी लेंगे, और आपका मन हमेशा बाबा की शिक्षाओं को याद दिलाता रहेगा, बाबा ने क्या कहा है। फिर आपको पता नहीं, जीवन बहुत छोटा है, लंबा भी हो सकता है, पर जीवन बहुत छोटी है। जो कुछ हम आज कर सकते हैं कर लें, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थिति बदलती जाएगी शायद हमें कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं, कई दादियां जो थे वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थे, लेकिन बहुत श्रूट बुद्धि थे और बहुत सेंसिबल बच्चे थे।
और उनका विश्वास ही हिम्मत था। जब हम कहानियां सुनाते हैं, बाबा ने कहा वहां जाओ और आपको गवर्नर के हॉल घर में रहना है, और उनको कोई भी पता नहीं था। और हम कैसे गवर्नर के घर में जाकर रह सकते हैं, नादी गुलजार जी कहानी में सुनाते हैं ना। और उन सब ने किया, वो बैठ गए ट्रेन में जाकर, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में डाल दिया था उनको, और उन्होंने कहा नहीं हमें तो फर्स्ट क्लास में बैठना है। टिकट कहाँ है आपकी? तो हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर आप कैसे जाएंगे फर्स्ट क्लास में? कोई ऐसी परिस्थिति आई और उनको सहज रीति से फर्स्ट क्लास में चेंज करना पड़ा। और जब वो बाहर निकले, रिक्शा ली और कहा हमें गवर्नर के गेस्ट हाउस में जाना है, तो उनको लगा अच्छा कुछ बात होगी इसलिए उनको लेकर गए। और जब वहां पहुंचे, उन्होंने कहा गवर्नर जी को बताओ कि हम इस शहर में आए हैं और हमें कुछ पता नहीं है, हमको कुछ रहने का स्थान यहाँ दे। तो बाबा के बोल में उनका विश्वास था, यहाँ पर बुद्धि का बात नहीं है, विश्वास था। और उन्होंने कार्य पूरा किया और उसके बाद वो कुछ भी कर सकते थे। हिम्मत बढ़ने लगी और निश्चय बढ़ने लगा। तो इसके बारे में थोड़ा और विचार कीजिए, स्मृति की सामर्थ्य के बारे में सोचिए। और हम सब का प्रभाव, शिक्षक का प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ता ही है। मुझे अभी तक याद है जो राजनीति के शिक्षक थे, जिस तरीके से उन्होंने सुनाया और हमने जीवन में जो सीखा, और अभी हमारे पास परम शिक्षक हैं। तो इसलिए स्मृति की सामर्थ्य, वो भी एक योग है, स्मृति है। कल जैसे दीदी ने कहा मिलन है, और आज का शब्द है स्मृति, बाबा की शिक्षाओं की स्मृति। हम बाबा के बने और उनकी जो शिक्षाओं के अनुसार अगर ना बने, तो फिर क्या कहें? क्या हम सिर्फ 10% या 20% तक बनेंगे, या हम 100% बने? तो इसके बारे में सोचिए थोड़ा। और आपको भी अलग अलग शिक्षाएं, पॉइंट्स मुरली से ही नहीं, बड़ों से भी जो सीखा है, उनको देखने से भी जो सीखा है, वो सब आपकी स्मृति में आएगा। मुझे अपना लॉयर भी याद आता है, वो हमेशा कहते थे आप शक्तिशाली हैं, आप निडर हैं। तो मैं कहती थी बाबा के बनने के बाद अगर हम शक्तिशाली नहीं रहेंगे तो फिर और कौन रहेगा? क्या मनुष्य हमें शक्तिशाली बनाएंगे? तो कभी भी अपने मन को कमजोर करने नहीं दीजिए। हो सकता है, पर तुरंत स्मृति के साथ उनको शक्तिशाली बनाइए, और वहीं पर हम आगे बढ़ते जाएंगे और बाबा की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, वरना हम बहुत कम कर पाते हैं। अभी बेहद के लिए निमित्त बने, और वो तब ही संभव है जब हम हर चांस लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम शिक्षक का संबंध लेते हैं, और जिसमें स्मृति, और अपने आप को बहुत शक्तिशाली रखिए। चा ओम शांति।